नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो होने वाला है स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही आसानी तरीके से कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्कॉलरशिप के बारे में जानने वाले हैं कि आप बहुत ही आसानी तरीके से अगर फर्स्ट ईयर में हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, BA कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से कैसे अपने स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। UP स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग रजिस्ट्रेशन करना जानने वाले हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, अपना जो वहाँ पे नामांकन है UP स्कॉलरशिप के पोर्टल पर वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एक और इसी का ट्यूटोरियल नंबर 2 आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग सारा डिटेल भर कर देखेंगे और फाइनल प्रिंट आप कैसे उसको कर सकते हैं, तो वहाँ तक का स्टेप हम लोग बेसिक से 0 लेवल से पूरा देखेंगे, लेकिन वो इसके बाद वाला वीडियो होगा। अभी ये जो वीडियो है रजिस्ट्रेशन सीखने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे फ्रेश कैंडिडेट कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और वीडियो में जानते हैं कि आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप भरने के लिए आप सभी को गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आप सभी लोग यहाँ पर जो सर्च बार है उस पर आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। यूपी स्कॉलरशिप आप इसको अपने डेस्कटॉप या PC पर भी कर सकते हैं या फिर मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे टैबलेट या PC से करेंगे तो ज़्यादा आप सभी को बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर पहली साइट दिख रही है, गूगल पर सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप सभी को https://scholarship.up.gov.in की साइट दिखेगी। सबसे पहला जो है स्कॉलरशिप वाले बटन पर क्लिक करना है। आप सभी लोग यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल यूपी गवर्नमेंट के साइट पर आ जाएंगे जो कि यूपी स्कॉलरशिप की साइट है। इस पे आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, फिर आप सभी लोग अपना जितना भी डिटेल है वो भरेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए भी 10th के रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जरूरी हैं जिसको कि आप सभी को भरना होगा। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं, स्टूडेंट पर आप सभी लोग क्लिक करेंगे। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम आ रहा है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसको आप सभी लोग क्लिक करेंगे। आपके सामने टोटल इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप देख के पाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24 न्यू सेशन के लिए है और इसमें आप सभी को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और अदर देन इंटरमीडिएट वाली फीचर मिलती है। लेकिन आप सभी को यहाँ पर क्या करना है कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, चलिए हम लोग जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं 3 कॉलम बने हुए हैं यहाँ पर। तो पहला है ST SC और जनरल कैटेगरी, दूसरा है OBC और फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी। आप सभी लोग अपना जो भी आप सभी लोग का धर्म है, जो भी आप सभी लोग का कैटेगरी है, उसके हिसाब से आप सभी लोग भरेंगे। हम लोग यहाँ पर OBC कैटेगरी वाले पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। प्री मैट्रिक 9th-10th के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट 11th-12th के लिए होता है और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट डिप्लोमा है, BA है, BSc है, इन सब चीज़ों के लिए होता है। चलिए हम लोग डिप्लोमा के लिए बढ़ते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। देख पा रहे हैं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली, दसमोत्तर छात्रवृत्ति 11-12 के अतिरिक्त छात्र छात्राओं फ्रेश स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म। जिला, सबसे पहले आप सभी को जिला भरना है। जिला आप सभी का होम वाला नहीं भरना है, जहाँ पर आप रहते हैं वो नहीं भरना है, जहाँ पर आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पर आप सभी लोग अध्ययनरत हैं प्रेजेंट टाइम में, वो जिला भरना है। चलिए हम लोग भर देते हैं गाजियाबाद, गाजियाबाद भर लेंगे। शिक्षण संस्थान में आप सभी लोग का जो भी आप सभी लोग का कॉलेज नेम है वो ध्यान से भरेंगे। कई सारे कॉलेज होते हैं जो कि जैसे यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, अजय कुमार गर्ग ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद, दो एक ही कॉलेज का दो है, तो इसको ध्यान से आप सभी लोग कॉलेज में पूछ के भरेंगे। इसी तरह ABES है कॉलेज, इसका 2-3 ठो है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। आधुनिक कॉलेज है, इसका 4 ठो दिया हुआ है। एडवांस कॉलेज है, तो इसको आप सभी लोग ध्यान से भरेंगे क्योंकि माइनर मिस्टेक्स है, आप सभी लोग की स्कॉलरशिप रुक सकती है। चलिए हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का भरते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद डाल देंगे। वर्ग में आपका OBC रहेगा, धर्म हिंदू रहेगा, धर्म पर हिंदू आप सभी लोग क्लिक कर देंगे।
छात्र छात्रा का नाम आप सभी लोग भर देंगे, केयरफुली भरेंगे, एक भी जो आपका स्पेलिंग है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग बहुत ध्यान पूर्वक भरना है इसको, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग का जो छठा है वो है आप सभी लोग का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आप सभी लोग अपना जो भी आधार नंबर से यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये आप छोटा सा देख पा रहे हैं, आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर लिखना है, इसलिए आधार नंबर से लिंक ही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा। तो चलिए वो भी हम लोग डाल देते हैं। अब इसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है कि हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखना है। आप सभी लोग का जो भी हाई स्कूल उत्तीर्ण वाला वर्ष है वो कौन सा है, तो चलिए वो भी भर देते हैं। हम लोग भर देते हैं 2022। इसके बाद हाई स्कूल बोर्ड भरना है। हाई स्कूल बोर्ड में आप सभी लोग ध्यानपूर्वक भरेंगे क्योंकि बहुत सारे बोर्ड हैं, NIUS बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, UP बोर्ड है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बोर्ड है, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखकर भरेंगे। चलिए हम लोग वो भी भर देते हैं, CBSE बोर्ड। हाई स्कूल बोर्ड का क्रमांक है, इसमें आप सभी लोग को क्या करना है, अगर आप सभी लोग के पास अल्फाबेट में, कई जगह ऐसे होते हैं कि अल्फाबेट में भी रोल नंबर होते हैं 2-3 डिजिट के, तो वो यहाँ पर पहले वाले कॉलम में भरना है। अगर वो नहीं है सिंपली से आप सभी लोग को दूसरे वाले कॉलम में जो दूसरा दिख रहा है उसमें भरना है। पहले वाले में भरने का कोशिश मत करिए क्योंकि 2 वर्ड के बाद आप सभी लोग का टाइप ही नहीं होगा, आप सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ध्यान पूर्वक भरिएगा, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ ध्यान पूर्वक आप सभी लोग को भरना है। दूसरे वाले में हम लोग रोल नंबर डाल देते हैं। चलिए तो आप सभी लोग को अपना स्वनिर्मित पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड 6 से 12 अंकों का होना चाहिए जिसमें कम से कम एक संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक संख्या, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक विशेष वर्ड शामिल करना होगा, #, या एंड या डॉलर का साइन होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए और एक बड़ा अक्षर होना चाहिए। तो आप सभी लोग को ध्यान रखना है, अगर आप सभी लोग का नाम राजू है तो राजू का कैपिटल R, a small, j small, u small, @ या डॉलर या ब्रैकेट जो भी आप सभी लोग करना चाहते हैं आगे कुछ डिजिट लगा सकते हैं, ऐसा पासवर्ड बनाना है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 बना दिए या अपना नाम लिख दिए, आप सभी लोग को इसका बहुत ध्यान रखना है। और सबसे मेन बात, अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में भरना है, ये नहीं कि बोल रहे हैं और हिंदी में टाइप हो रहा है, वो गलती भी मत करिएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा आप सभी लोग को दिक्कत हो जाएगी। अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है केवल और केवल। और नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड लिया हुआ है, कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद हम लोग जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओटीपी जो भी आप सभी के सामने आया होगा, आप मोबाइल में आया होगा, जो भी आधार संख्या आपने डाला था उससे लिंक जो भी आप सभी का फोन नंबर है उस पर ओटीपी गया होगा, उस पर आप लोग देखकर इस पर डालेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद जो भी हमारे फोन नंबर पर आया हुआ था, जो भी आधार नंबर से लिंक था, वही ओटीपी डालना है आप सभी लोग को। फिर आप सभी लोग को यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आप सभी लोगों को सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। और आप सभी के सामने ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन संख्या आप सभी लोग के सामने आ चुकी है, जिस नंबर को आप सभी लोग को ध्यान पूर्वक नोट कर लेना है। अगर ये खो गया तो फिर आप सभी लोग लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे, अपना जो भी UP स्कॉलरशिप का है उस पर लॉग इन नहीं कर पाएंगे। सारी डिटेल आप सभी लोग के सामने है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नया सत्र है 2023-24, और आप सभी के सामने ये पूरा फॉर्म है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप सभी लोग इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव करके रख लीजिए आप सभी लोग अपने फोन में, PC में, जिसमें भी आप सभी लोग करना चाहते हैं। तो ये था पूरा रजिस्ट्रेशन का वीडियो। तो आप सभी ने जान लिया होगा कि आप बहुत ही आसानी तरीके से अपना स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन संख्या आप सभी के पास आ गई होगी अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया होगा। अब क्या करना है, वहां पर UP स्कॉलरशिप का पोर्टल खोलना है, उस पर स्टूडेंट लॉगिन पर जाके फ्रेश लॉगिन पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डालकर और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के बाद कैसे कैसे डिटेल भरना है वो इसके बाद हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं, जो अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें टोटल स्टेप देखेंगे कि डिटेल कैसे सावधानी पूर्वक भरना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और नॉलेज रिलेटेड लगा होगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं अगले नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।